अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प सवालात की सीरीज़ में खुश आमदीद। सवाल नंबर एक, किस शख्स का दिल पाक और सच्चा होता है? आपके ऑप्शन हैं ए अल्लाह ताला से डरने वाला, बी हाजी का, सी नमाजी का, डी परहेजगार का। सही जवाब है ए अल्लाह ताला से डरने वाले का। सवाल नंबर दो, इबादत के अलावा वो कौन सा काम है जिसके बगैर हम जन्नत में नहीं जा सकते? आपके ऑप्शन हैं ए वालिदैन की दुआ, बी अल्लाह ताला की रहमत, सी जिहाद करना, डी तकवा। सही जवाब है बी अल्लाह ताला की रहमत। सवाल नंबर तीन, कौन से इंसान शैतान के साथी हैं? आपके ऑप्शन हैं ए काफिर, बी जाहिल, सी योम आखरत के मुनकर, डी बेहया लोग। सही जवाब है सी योम आखरत के मुनकर। सवाल नंबर चार, रिजक का जिक्र कुरान मजीद में कितनी मरतबा आया है? आपके ऑप्शन हैं ए 119 मरतबा, बी 110 मरतबा, सी 100 मरतबा, डी 111 मरतबा। सही जवाब है ए 119 मरतबा। सवाल नंबर पाँच, किस वक्त की नमाज को छोड़ने पर इंसान का सब कुछ तबाह हो जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए फजर, बी जोहर, सी असर, डी ईशा। सही जवाब है सी असर। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी असर की नमाज जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया उसका ख़ानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल नंबर छः, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्मतें दरिया में रहती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 100, बी 200, सी 400, डी 600। सही जवाब है डी 600। सवाल नंबर सात, अहमद नाम सबसे पहले किसका रखा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, डी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। सही जवाब है ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर आठ, कौन सी छोटी नेकी इंसान को बुरी मौत से बचाती है? आपके ऑप्शन हैं ए सदका करना, बी मस्कीन को अपने हाथ से देना, सी यतीम की मदद करना, डी माजूर को खाना देना। सही जवाब है बी मस्कीन को अपने हाथ से देना। सवाल नंबर नौ, आखिरत में किस इंसान को जहन्नुम के अंगारे खिलाए जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं ए गीबत करने वाला, बी झूठ बोलने वाला,
सी हराम खाने वाला, सी चोरी करने वाला। सही जवाब है सी हराम खाने वाला। सवाल नंबर 10। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र करने के क्या फ़ायदे बताए हैं? आपके ऑप्शन हैं, ए दोस्त बनते हैं, बी इल्म बढ़ता है, सी कारोबार मिलता है, डी सेहत और दौलत मिलती है। सही जवाब है डी, सेहत और दौलत मिलती है। सवाल नंबर 11। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान किस नाम से पुकारता था? आपके ऑप्शन हैं, ए अब्दुल कहार, बी अब्दुल सत्तार, सी अब्दुल समद, डी अब्दुल जब्बार। सही जवाब है ए अब्दुल कहार। सवाल नंबर 12। वो कौन सा अमल है जिससे औरतों की उम्र लंबी होती है? आपके ऑप्शन हैं, ए हज करना, बी हमेशा सच बोलना, सी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना, डी परहेजगारी। सही जवाब है सी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से अच्छा सलूक करना। सवाल नंबर 13। दुनिया में कौन सा इंसान था जिसकी उम्र में 40 साल किसी और नबी को दिए गए? आपके ऑप्शन हैं, ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 14। बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं, ए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, बी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सही जवाब है डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 15। वो कौन सा इंसान है जो 1400 साल से ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा? सही जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ाहरी उम्र 63 साल थी लेकिन वो 1400 साल से हर मुसलमान के दिलों में ज़िंदा हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेंगे। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ये मालूमाती तोहफ़ा अपने दोस्तों को देने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये तमाम सवालात मुस्तनद इस्लामी कुतुब से लिए गए हैं, अगर आपको हवाला दरकार हो तो आप तलब कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा।